हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। तो ये मैसेज को आप एज अ साइन देख सकते हो, एज अ रिमाइंडर देख सकते हो, एज अ गाइडेंस देख सकते हो। इंट्यूटिवली देखिए एंड एट द सेम टाइम जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, क्योंकि माँ आपको एक कलेक्टिव वे में गाइडेंस दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी और धर्म में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, माँ माँ होती है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर से बचिए, मैं कभी भी आपको कॉल, मैसेज, कमेंट नहीं करूँगा, प्राइवेट रीडिंग के लिए अप्रोच भी नहीं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापाणी धर्मत्वक्त देवी नागरी नमस्ते। गर्लवदनं घोरमुक्तवीजं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदाचिन्न सीरुखर्गो बामर्तोकर्णं भुजं अभयम्बरदं चैवदक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा जीवदिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डली गलद्रूधिरचर्चितं कर्णावसं सततेन नतशभोजुगभयनकं वृद्धष्टं कल्लषं पिन्नदिपदरं सवनं रसङ्गातिर्कितोत्कञ्चसुमुखं शुक्रधारा विश्वतन्नं गुरुभ्यां महर्दिन् सुजनयवासिनं बालर्कमण्डलाकार लोचनप्रियमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मानोकजिशं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थां शिवाभि गुरुरावाभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालिनि शासनं विपरीत रतातुरं सुख प्रसन्न वदन सेनानाम सर्वम एवं संचित काली धर्म कमर्तम कदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ब्लेस अस माँ। बोल दीजिए माँ, मेरे व्यूअर्स को आज क्या चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, क्या सुननी चाहिए, क्या आप कह रहे हो व्यूअर्स को, बता दीजिए माँ। जय माँ काली। यप, नित्या काली। ओके, आज का दिन है रिलीज करने का। ओके, सो नित्या काली, नित्या काली अक्सर मून फेजेस को इंडिकेट करते हैं। मून क्या होता है? जब फुल मून आते हैं तब हम देख पाते हैं मून के ब्यूटी, मून के लाइट, मून के एनर्जी। हम रिचुअल करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं एंड जब न्यू मून आते हैं तब हम मून को देख ही नहीं पाते। ऐसे ही माँ आज को रिमाइंड करे कि खुशियाँ कुछ चंद मिनटों के लिए आते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। ये वीडियो से पहले जो सिचुएशंस था वो आपके पास्ट था, इस वीडियो के बाद जो सिचुएशंस होगा वो फ्यूचर होगा, उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट ये जो जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस पर आपका कंट्रोल है। कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अपने इनवर्ड आई से दुनिया को देखना है। जो जो चीज़ लॉस हो रहा है, जो जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। माँ आपको बुला रही है अंदर, क्योंकि माँ आपको बोल रही है कि यू नो जो हिसाब किताब है, जो जो बाहर में जो चल रहा है ये सही नहीं हो रहा है। हर लोग अपने प्रॉफिट ढूंढ रहे, ये धर्म को बेच रहे, यहाँ पे लोगों को पट्टी पढ़ाया जा रहा है, लोगों को इनसिक्योर फील करवाया जा रहा है। ये ट्रू ऑनेस्ट प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पे काली माँ को अच्छे तरीके से लोग समझ नहीं पा रहे, उससे डरा रहे लोगों को, मैनिपुलेट कर रहे लोगों को। सो असली धर्म तब आपको समझ में आएगा जब आप अपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को ढूंढ पाओगे। असली धर्म तब समझ में आएगा जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे। सो आप जो भी टफेस्ट सिचुएशंस आज फेस कर रहे हो, जो भी आपको ऐसा अगर आपको लग सकता है कि आपका हाथ बंधा हुआ है या फिर काम नहीं हो रहा है, ये चीज़ को एक एज अ चैलेंज के हिसाब से देखिए। ये चैलेंज क्यों आया है आपके लाइफ में? यस, माँ अभी बोल रहे हैं वो चीज़। ये चैलेंज आपके लाइफ में इसीलिए आया है ताकि आपको पता चले कि आप कितना पावरफुल हो। यहाँ पे माँ आपको रोक रहे हैं ताकि आप रेस्ट्रिक्ट कर सको। बार बार कोई रिपीटेटिव पैटर्न्स आप फॉलो ना करो, बार बार कोई फ्यूडाइल अटेम्प्ट्स आप ना करो। यू नो, आप जब एक्सपेक्ट करते हो कुछ अच्छा होगा और तब जाके जब अच्छा नहीं होता है तब आपको बहुत बुरा लगता है, और वो चीज़ माँ आइडेंटिफाई किए है। और माँ आपको बोल रहे कि सब चीज़ का एक प्रॉपर टाइम है और कोई भी चीज़ आपको बिफोर द टाइम नहीं मिलता है। तो आज का दिन क्या है? आज का दिन रिलीज का है। पास्ट के मेमोरीज़ को रिलीज़ कीजिए, पेन को रिलीज़ कीजिए। आज आप पुश मत कीजिए कुछ चीज़ को। जो चीज़ आ रहा है आने दीजिए, जो चीज़ नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, काइंड ऑफ लेट गो कीजिए। आज मैं आपको थोड़ा सा कूल होने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है उसका एक वजह है, और वो वजह है कि आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे। यस, हो सकता है आज आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो सकता है आज आप देख रहे हो कि लोग आपसे आगे बढ़ रहा है, हो सकता है आप देख रहे हो कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यू नो, अंदर से बहुत ज़्यादा शैलो आप महसूस कर सकते हो। ये भी एक मून के फेज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आपको माँ रेस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं, आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करके रख रहे हैं ताकि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ कर सको। यू नो, मोक्षा का मतलब क्या है? मोक्षा मतलब है लिबरेशन, फ्रीडम। सो आज आप
एक अलग लेवल का मोक्षा को अनुभव करेंगे, क्योंकि एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, एक टॉक्सिक पैटर्न को ख़त्म कर रहे हो। आपको आप पहले टाइम को चेज कर रहे थे, चीज़ों को चेज कर रहे थे, पर्सन को चेज कर रहे थे, फॉर द फर्स्ट टाइम आज आप रियलाइज़ करोगे कि ये सब बेकार आप चेज कर रहे हो। अगर कोई चीज़ आपके लिए है तो वो आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, आपको उसके पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट्स है, ये भी कुछ चंद मिनटों के डिसअपॉइंटमेंट है, टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट है। साइकिल चेंज होता है, खराब टाइम बहुत देर तक नहीं चलता है, अच्छा टाइम आता है। एंड एट द सेम टाइम अच्छा टाइम जब चल रहा है तब उस अच्छे टाइम को भी आपको यूज़ करनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपके टेम्पोररी लोनली फेज को आइडेंटिफाई किए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, हो सकता है आप फील कर रहे हो कि कोई आपको समझ नहीं पा रहे, सभी लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका भी मतलब है कि आप जो ढूंढ रहे हो ना, आप ढूंढ रहे हो कि आप किसी के भरोसे पे अपना जीना चाहते हो, आप लाइफ को जीना चाहते हो, आपको कोई पर्सन चाहिए, आपको कुछ चीज़ चाहिए। नो, यहाँ पे मैं आपको समझा रही, आपको कोई नहीं चाहिए, किसी के भरोसे पे आपको जीना नहीं है, आप खुद के भरोसे पे जीना सीख लो। जब आप स्वीकार करोगे कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, किसी भी कंडीशंस में मैं काम ढूंढ सकता हूँ, किसी भी कंडीशंस में मैं अकेला रह सकता हूँ, किसी भी कंडीशंस में मैं खुद सर्वाइव कर सकती हूँ, यस, जब आप वो स्वीकार करोगे तब जाके नित्याकाली आपको आशीर्वाद देंगे। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि जो टेम्पोररी डिसअपॉइंटमेंट है वो आपको अभी बहुत नेगेटिव जोन में लेके जा सकता है, और चीज़ें हो सकता है कि नहीं आ रहा है, पैसा अटक गया है, कोई आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यू रिजेक्टेड हुआ है, प्लान कैंसिल हुआ है। आज ऐसे नेगेटिव फेज आप बहुत देखोगे, लाइक कुछ भी चीज़ सही टाइम पे नहीं हो रहा है, बहुत अनऑर्गेनाइज महसूस करोगे, मेसी महसूस कर सकते हो। बिकॉज हर टाइम पे क्या होता है, ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस के पहले आपको नेगेटिविटी को देखना पड़ता है। सो माँ आज आपको बोल रहे कि जो भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है उसको अपने अकॉर्डिंग होने नहीं दीजिए, लाइक उसको पुश मत कीजिए, उसको एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके अकॉर्डिंग होंगे। आज का दिन है सब चीज़ को लेट गो करने का। अगर कोई चीज़ सक्सेसफुली आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो बाद में आ जाएगा, उसको पुश मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो आप, बार बार मैं आपको रिमाइंड कर रहे प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दैट मैटर। हो सकता है टॉक्सिक पास्ट, हो सकता है जॉब, हो सकता है इनसिक्योरिटी, हो सकता है फ्यूचर, हो सकता है अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने लाइफ, प्लीज़ स्टॉप। क्योंकि वो सिचुएशंस आपको खा जा रहे, एडिक्शंस की तरह हो गए कि सुबह उठ के ही आप वही सिचुएशंस के बारे में, वही पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे। सो ये मैसेज आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा रिमाइंडर है कि डू नॉट थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, क्योंकि कल से आप वही चीज़ सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो। एंड सेकेंडली, बार बार अगर आप कुछ चीज़ का अटेंड ले रहे हो और वो नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कि साफ है कि ये सही टाइम नहीं है उस चीज़ का। सो कहीं ना कहीं आज आपको बोल रहे कि कुछ चीज़ करने से पहले दोबारा सोच लीजिए, हो सकता है कि अभी सही वक्त नहीं है कुछ चीज़ स्टार्ट करने का, कुछ रिलेशनशिप्स को। ऐसा हो सकता है कि आप आज अंदर से सोचिए कि आप कैसे, आप क्या फील करते हो आपके लाइफ को लेकर, लाइक अगर मैरिज का कोई डिसीशंस ले रहे हो आप, जॉब का कोई डिसीशंस ले रहे हो आप किस तरीके से अपना लाइफ को लीड करना चाहते हो। क्या आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने की कोशिश कर रहे हो या फिर खुद के एक्सपेक्टेशंस को? क्या बाकी में समझ पा रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चाहिए और आप क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं कुछ मिसअलाइनमेंट्स है, हो सकता है नित्याकाली आपको समझा रहे हैं कि जैसे कि चंद्रमा का एक फेजेस है, वैसे भी आपके माइंड का भी एक फेज है। सो आज आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट मूड स्विंग्स को महसूस कर सकते हो। एंड टेम्पररी इमोशंस के बेसिक पे कोई परमानेंट डिसीशंस मत लीजिए। ऐसा आपको लग सकता है कि आज आप ब्रेकअप कर सकते हो, ऐसा आपको लग सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाओगे, ऐसा आपको लग सकता है कि आज ही आप गिव अप कर रहे हो, ऐसा आपको लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, सब कुछ छोड़ के आप कहीं पर चले जा रहे हो। नो, डोंट गिव अप, सिचुएशंस को टाइम दीजिए। आपको जिस तरीके से ब्राइटनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी तरीके से डार्कनेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। डार्कनेस एंड ब्राइटनेस बोथ आर द सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट पोजीशंस। सो माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके अंदर का लूप होल्स है, आपके अंदर में भी नेगेटिविटी है, बट उस नेगेटिविटी को जब तक ना आप एक्सेप्ट करके चैनलाइज कर रहे हो, तब तक आप आने वाले पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो आज का दिन है कि कुछ सेटबैक्स, कुछ हार आप देख सकते हो कि कुछ जगह पे आप हार रहे हो, बट वो हार में भी आपको जीत मिलेगा इन द फ्यूचर। माँ आज आपको बोल रही है कि टेम्पररी आज आप कितना भी रिजेक्टेड क्यों ना फील कर ली,
मतलब कितना भी फील कर रहे हो रिजेक्टेड, फ्यूचर में जाके आप उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सो अगर कुछ लॉस भी आज आप करोगे ना, तो भी उस चीज़ को ज़्यादा, मतलब उस चीज़ के लिए ज़्यादा दुखी मत हो जाइए, क्योंकि ऐसा है कि कुछ चीज़ आपके लिए सही नहीं है, बट शायद आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए माँ ने उसको आपके लाइफ से डिटैच किया है। बट सही टाइम आने में माँ आपको वो चीज़ वापस भी कर देगी। आज का टाइम है सब सरेंडर का, तो आप सरेंडर कीजिए, माँ से मदद मांगिए, कम्प्लीटली कनेक्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे एक होप लेके चलिए, होपलेस मत बन जाइए। माँ आपसे कोई भी चीज़ नहीं छीनेंगे, माँ आपको कभी भी अबंडन नहीं करेंगे, माँ आपको कभी भी छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएंगे, माँ आपको लेके चलेंगे। सो जो जो फेजेस आप देख रहे हो, ये शायद आपके डेस्टिनी का एक ब्लॉकेजेस था, कार्मिक पैटर्न था, क्योंकि वो चीज़ अगर माँ आपको अलाउ करते तो फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, बहुत बड़ा नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता था। इसीलिए माँ आपको अभी से उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर लेके आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जोड़ों में दर्द आप महसूस कर सकते हो, सर दर्द महसूस कर सकते हो, एक अजीब किस्म के इनसिक्योरिटी महसूस कर सकते हो, किसी किसी के लिए बहुत फ्रस्ट्रेशंस महसूस कर सकते हो, बट वेट कीजिएगा, उस फ्रस्ट्रेशंस को समझिए कि क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो, उस नेगेटिव सोर्स को पहचानिए कि क्यों नेगेटिव सोर्स से आप अफेक्टेड हो रहे हो। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आज माँ के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा आज आप चैंटिंग कीजिए, थोड़ा सा आज आप बाहर जाइए, यू नो सेल्फलेसली किसी को मदद कीजिए, कुछ नए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत ज़्यादा फोकस्ड, ओवर फोकस्ड आप कर रहे हो किसी चीज़ को, तो थोड़ा सा आप अपने ग्रीप को लूज़ कीजिए और अपने आप चीज़ों को होने दीजिए, सही तरीके से हो जाएगा। अगर कोई चीज़ आज ठीक अकॉर्डिंग टू यू अगर नहीं भी होता है, तो कल वो चीज़ हो जाएगा। सो टेम्पररी शायद आज आपको लग सकता है कि पूरा दिन बेकार जा रहा है, बट एट द एंड आपको कुछ अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि माँ कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा जय माँ नित्या गाली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड हैशटैग दीजिए टैरोट अनिबन। और एक चीज़, ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए एंड अच्छे से रहिए। हैव अ ग्रेट डे। मैं मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ नित्या काली, गुड बाय।